वेलकम टू माय चैनल नीमा और मैं हूं नीमा जैसे कि आप सब मेरी वीडियोस से आजकल समझ ही गए होंगे कि मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूं स्टूडियो की सफाई कर रही हूं तो जो जो चीज़ें कैटेगरी वाइज मुझे मिलती जा रही है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पर्स की कैटेगरी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ स्पेशल पार्टी वेयर और क्लचेज की आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो मेरे फेवरेट ना ऑफिस बैग्स हैं उनकी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ये ऑफिस बैग्स भी आप कह सकते हो या फिर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो तब भी, भी आप इन्हें यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हो कहने का मतलब है ये ये थोड़े से बड़े वाले हैं बहुत छोटे छोटे वाले नहीं है इनमें आप अपने घर का सारा सामान भर के ले जा सकते हो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैग जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं अगर मैं प्रिंट की बात करूँ ऊपर की तरफ आपको प्रिंट मिलता है नीचे नीचे की तरफ आपको मिलता है ब्राउन कलर ये होने वाला एग्जॉटिक ब्रांड का काफी प्यारा बैग है ये इसका हैंडल काफी अच्छा है और इसके साथ आपको स्लिंग भी मिलती है ओपन करके मैं आपको इसे दिखा देती हूँ ये आप देख सकते हो तो इसका स्लिंग काफी अच्छी क्वालिटी का है पति से, मतलब से तो है ही बट हाँ दो चीजों का मुझे शौक है प्यार नहीं है ये, ये शौक है एक ज्वेलरी और एक बैग ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब सच में मुझे बैग्स और ज्वेलरी का बहुत ज्यादा क्रेज है अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें एक आपको पार्टीशन यहाँ मिलता है पीछे की तरफ मिलता है और बीच में मिल जाती है पॉकेट अंदर जो फैब्रिक लगा हुआ है इसमें ब्रांड नेम प्रिंटेड है एग्जॉटिक ब्रांड का है ये या आई थिंक एमेजॉन का खुद का ब्रांड है बट क्वालिटी इसकी अमेजिंग है अमेजिंग पीछे की तरफ आपको एक चोर पॉकेट मिल जाती है जिससे आप काफी कुछ छुपा सकते हो सामने की तरफ आपको एक यहाँ पर भी पॉकेट मिल जाती है पीछे की तरफ कोई पॉकेट नहीं है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था बैग जब मैंने ये मैं मंगवाया क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी और साइज़ भी ना इसका बिल्कुल प्रॉपर है मतलब अगर आपको ऑफिस ले जाना है तो भी आप ले जा सकते हो ट्रैवलिंग पे जाना है तो भी आप ले जा सकते हो मुझे स्पेशली ना ट्रैवलिंग पे इस तरीके के पार्टीशन वाले बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे बच्चों का भी सामान रखना होता है अपना भी रखना होता है अब सब चीज़ों की खिचड़ी ना बन जाए उसके लिए इस तरीके के पार्टीशन वाले बैग मुझे चाहिए होते हैं बहुत ही बढ़िया है जो भी बैग मैं आपको दिखा रही हूँ सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छा ये मैंने एक बैग दिशा के लिए किया था ये काफ़ी टांग भी सकती है जैसे होता है ना बच्चों का एक छोटा सा पिकनिक बैग टाइप का बोल सकते हो बच्चों के लिए चिप चिप्स विप्स रख दिया ट्रैवलिंग करते वक्त और बस ये उस तरीके का बैग है इसे अगर बच्चा चाहे तो टांग भी सकता है इस तरीके से और अगर मम्मा चाहे तो इस तरीके से टांग सकती है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था बच्चों का अगर मैं बोलूँ इसमें तो आप बॉटल वगैरह रख सकते हो आजकल बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं काफी ज्यादा घूमने फिरने स्कूल वाले ले जा रहे हैं बच्चों को तो आप इसमें बच्चे का छोटा सा लंच बॉक्स बॉटल या कोल्ड ड्रिंक जो भी आप रखना चाहते हो वो सब रख सकते हो तो स्पेस इस इसमें काफी ज्यादा आप देखो मैं आपको इसका स्पेस दिखाती हूँ इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है पार्टीशन आपको इसमें दो मिल जाते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा मुझे काफी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसकी चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये आप देखोगे ना इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी है तो डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हो अगर आप अपने लिए और अपनी बेटी के लिए टू इन वन पर्स चाहते हो ना तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लावी का बैग लावी मेरा फेवरेट ब्रांड है क्योंकि इसमें ना अफोर्डेबल बैग भी मिल जाते हैं आपको और स्टाइलिश भी मिल जाते हैं अगर मैं इस बैग की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मैंने देखोगे ना आप मैंने इसके अंदर पूरा पेपर भर के सेट करके रखा हुआ है बैग को और जिस पैकेट में ये आता है ना जैसे मान लो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है तो अमेजोन के जिस पैकेट में ये आया होगा मैंने उसमें ही इसको रख देती हूँ इसमें आप देखोगे इसमें आपको एक सिंगल स्पेस मिलता है ये ऑफिस वाली लड़कियों के लिए बहुत सही है क्योंकि अगर उनको लंच बॉक्स वगैरह रखना है तो पार्टीशन वाले बैग में रखने में दिक्कत होती है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको कोई पार्टीशन नहीं मिलता जितनी बड़ी चीज घुसाना चाहो वो घुसा सकते हो आप इसमें तो कितना भी बड़ा आपका लंच बॉक्स हो या फिर मेकअप बॉक्स हो ट्रैवल कर रहे हो तो, तो आप आराम से इसमें रख सकते हो ये मैंने इसमें से अभी तक निकाला नहीं है पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ब्रांड नेम मिल जाता है पीछे की तरफ आपको एक पॉकेट मिल जाती है ये आप देखोगे काफी बड़ी पॉकेट है सामने की तरफ आपको दो पार्टीशन मिल जाते हैं तो फोन वोन आपको इसमें बीच में घुसाने की जरूरत नहीं पड़ती फ़ोन वोन आप यहाँ पे रख सकते हो इसमें आपको फ्रंट में भी एक जिप मिलती है ये आप देखिए तो यहाँ पर आप अपना छोटा मोटा सामान जैसे मेट्रो का कार्ड है या फिर वो है दिल्ली में तो वही आधी लड़कियाँ मेट्रो से ही ट्रैवल करती है तो मेट्रो कार्ड वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो बिल्कुल आराम से इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं मैंने लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन का ऑप्शन मंगवाया है इसमें जैसे यहाँ पर लाइट ब्राउन है ना इसमें यहाँ पर डार्क ब्राउन और यहाँ पर लाइट ब्राउन वाला ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है वो भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एक बैग मैंने मंगवाया था ये मीशो से ये सभ्य साची ब्रांड का ड्यूब है बेसिकली बट यार ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्राइस की अगर मैं बात करूँ आई थिंक ये मैंने चार सौ पाँच सौ रुपये का ही मंगवाया था मैं अभी गई थी जब लास्ट टाइम गाँव हूँ अपने तब मैं इसे ले गई थी और बिलीव में जब मैं गाँव जाती हूँ ना मुझे बहुत कुछ ले आना पड़ता है बच्चों की दवाई ये वो तो का स्पेस बहुत अच्छा है ये आप देखो इसमें स्पेस बहुत अच्छा है अभी भी इसमें कुछ पड़ा ही है ये मैं जिस होटल में रुकी थी ना वहाँ का साबुन मैंने उठा लिया <laughs> मैं क्या करती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें ना होटल में गए हैं भाई पैसे दिया तो मैं उठा लेती हूँ इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है <laughs> तो ये आप देखोगे इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है सामने की तरफ आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिलती है इसमें आपको जिप मिल जाती है तो जिप में भी आप सामान रख सकते हो तो मतलब पार्टीशन आपको छोटे छोटे दो पार्टीशन मिलते हैं और एक फुल साइज बड़ा वाला पार्टीशन मिलता है और मेरा एक रबड़ बैंड भी मिलता है बट वो इसके साथ नहीं मिलेगा आपको ये मेरा है ये आप देखोगे सामने की तरफ दो पार्टीशन मिल जाते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसका जो फैब्रिक है ना ये काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा स्लिंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है स्लिंग आप देखोगे बट हाँ इसके हैंडल्स जो है ना ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि मेरा बैग ये वाला कम से कम नहीं भी हो गया तो दो तीन किलो का मैं बना दिया था तो हैंडल की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है स्लिंग इसका मुझे उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा काफ़ी पतला सा है तो टूट फूट हो सकती है बट ये बैग आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप मीशो से बैग मंगवा रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इसका ब्रांड नेम मुझे नहीं पता लिनो पेरोज लिखा हुआ है इसमें अब पता नहीं एड में इसके कैटरीना कैफ आती है ये मुझे पता है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है मतलब ये बिल्कुल अभी मेरे ना स्वेट शर्ट से मैचिंग कर रहा है ब्यूटीफुल है इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है ये आप देखोगे ना इसको इसमें आपको पीछे की तरफ एक इस तरीके से पार्टीशन मिल जाता है ये सिर्फ मेट्रो कार्ड रखने के लिए मैं आपको बोलूँगी पैसे वैसे ना रखना इसमें कहीं गिर घुरा गए तो फिर आप मुझे गालियाँ दोगे तो पैसे मत रखना उसमें क्योंकि उसमें कोई जिप नहीं है इसमें भी मैंने देखोगे आप मैंने पूरा पेपर भर रखा है ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो इसमें आपको स्लिंग मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और मैं अगर आपको बैग का साइज दिखाऊं तो बैग का साइज भी काफी अच्छा है ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है सामने की तरफ आपको इसमें दो पॉकेट मिल जाते हैं जैसे लावी वाले बैग में थी और पीछे की तरफ आपको एक जिप मिल जाती है पूरे ब्रांड का फैब्रिक लगा हुआ है इसमें इसकी क्वालिटी अमेजिंग है अमेजिंग है बाहर की तरफ आपको कोई भी चेन वाली पॉकेट नहीं मिलती है हाँ छोटू मोटो सामान रखने के लिए एक यहाँ पर भी मिल जाता है इस तरीके से यहाँ पर भी मिल जाता है इस तरीके से तो इसमें आप कुछ भी ऐसा कार्ड वगैरह रख सकते हो अपना मेट्रो का कार्ड हो गया टॉफी वॉफी जो भी आप खाते हो वो रख सकते हो मतलब छोटी मोटी सी चीज बट इसमें कोई ऐसी बाहर से पॉकेट नहीं है बट ये मुझे बैग बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसके कलर की वजह से बेबी पिंक कलर है इसका और अगर मैं इसके प्रिंट की बात करूँ तो ये कुछ ना वो स्नेक प्रिंट होता है ना वैसा सा है बट मुझे वो स्नेक वाला कलर से बहुत ज्यादा डर लगता है वो <laughs> उसम बड़ा ड्रावना सा लगता है तो इसलिए तो तो मैंने उसमें पिंक कलर मंगवाया है इसके स्लिंग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी बहुत ही स्टर्डी है और एडजस्टेबल है नेक्स्ट बैग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करी हूँ लावी का और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसे खाली किया है इसमें अभी मैंने कोई पेपर वेपर नहीं भरा है यार ये मैं जितने भी अपने वीकेंड ट्रिप बनाती हूँ ना उसमें मैं सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ इसके साइज़ की वजह से इसमें तो मतलब मैं घुसना चाहूँ ना मैं भी घुस जाऊँ इसमें इतना बड़ा बैग है <laughs> इसमें आप देखो कि एक पार्टीशन आपको सामने की तरफ मिलता है एक पार्टीशन आपको पीछे की तरफ मिलता है और बीच में आपको जिप मिल जाती है ठीक है अब यहाँ पर भी आपको दो पार्टीशन मिलते हैं और पीछे की तरफ भी आपको एक पार्टीशन मिलता है ये आप देखो इसका साइज साइज इसका इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं और इसमें आपको ना यही एक स्लिंग मिलती है कोई बड़ी स्लिंग इसमें नहीं है इसका साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये आप देखोगे अभी तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है इसीलिए मैं हमेशा अपने बैग्स में ना ये पेपर वगैरह भर के रखती हूँ वरना बैग ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं बट जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैं इसको इतना भर देती हूँ कि फिर से शेप में आ जाता है ये तो अगर आपको एक बड़े साइज़ का बैग चाहिए ऑफिस के लिए तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई करो क्वालिटी इसकी मस्त है मस्त मतलब जो बैग मेरे पास चल गया ना समझ लो उसकी क्वालिटी अमेजिंग होगी एक ट्रिप में मैं अपने साथ ये ले गई थी ये भी लावी का बैग है इसके साथ मुझे बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसके साथ कोई भी बड़ा वाला स्लिंग नहीं आता है ये सिर्फ आपको इसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा हैंड बैग है ये तो आप अगर कंफर्टेबल हो अपने बैग को इस तरीके से पकड़ने में तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करो मैंने तो उस ट्रिप में इसे ऐसे ही पकड़ा था बिलीव मी बहुत मस्त लुक आती है इसकी ये मैंने रेड कलर में मंगवाया है और यह है लावी कूल मैं आपको इसे दिखाती हूँ इसके लिए मुझे अंदर कोई पेपर नहीं मिले थे तो मैंने सबने छोटे 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 पर्स भर दिए <laughs> ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका पार्टीशन आप देखो और ये ना इसमें जिप में भी ना देखोगे आप क्योंकि गोल्डन कलर की जिप है तो सब में पेपर लगा हुआ आया था इस तरीके से जो पार्टीशन होता है ना ये ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत काम आता है एक में बच्चों का सामान रख दो एक में हस्बैंड का चश्मा वगैरह वॉलेट वगैरह अगर आप रखते हो तो रख दो बीच में अपना मेकअप का सामान रख लो इस तरफ बच्चों की दवाई ववाई रखते हो तो वो रख लो तो काफ़ी कुछ आ जाता है इस तरीके के बैग में इसका साइज़ बहुत अच्छा है ये आप देखो मेरा पूरा हाथ इसमें फिट हो जाता है ये काफ़ी अच्छा मुझे बैग लगता है इसकी अगर मुझे फ़ोटो मिलेगी ना तो मैं लगा दूंगी मैं लास्ट ईयर न्यू ईयर पर गई थी कहीं घूमने सर इसका तब मैं इसे लेकर गई थी पीछे की तरफ आपको एक पॉकेट मिलती है तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन वोन रख सकते हो तो काफ़ी बड़े साइज की पॉकेट है बट एक ही प्रॉब्लम है कि इसके साथ बड़ा वाला स्लिंग नहीं आता है बट कलर पे जाओ यार क्या मस्त कलर है इसका मतलब मज़ेदार वाला कलर मुझे लगता है नेक्स्ट बैग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी लावी का होने वाला है ये आप देखो काफी प्यारा है ऑफिस के लिए परफेक्ट है मैं मोस्टली ब्राउन कलर के बैग्स प्रिफर करती हूँ मुझे ना ज़्यादा कलरफुल बैग्स नहीं अच्छे लगते हैं या तो बिल्कुल फंकी हो या फिर ऑफिस ऑफिस जाना है ट्रैवल करना है तो उसके लिए मुझे ये बैग बहुत अच्छे लगते हैं ब्राउन कलर के इसमें भी अगर मैं आपको साइज दिखाऊं इसका तो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे मैंने लावी का वाला दिखाया पर उसकी शक्ल बेचारे की थोड़ी सी बीमार बीमार वाली हो गई तो इसलिए मैंने कहा चलो अब एक <laughs> एक थोड़ा सा ना अच्छा सा ले लेती हूँ इसमें भी आपको एडजस्टेबल स्लिंग मिलती है जिसकी क्वालिटी अमेजिंग है ये आप देखो इसका साइज ऑफकोर्स इस वाले से तो थोड़ा छोटा ही है बट ये शक्ल से थोड़ा सा बीमार लग रहा था मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा ना हृष्ट पृष्ट तंदुरुस्त वाला बैग ले लेती हूँ ये आप देखोगे इसमें भी आपको फ्रंट में एक पॉकेट मिलती है बैक साइड में एक मिलती है बीच में आपको एक पार्टीशन मिलता है इनका जो फॉर्मेट है ना लावी के बैग का ये बिल्कुल सेम है या तो कुछ नहीं होगा बीच में सिंपल एक ही स्पेस आपको मिल जाएगा या फिर क्या होगा फ्रंट और बैक में आपको स्पेस मिल जाएगा बीच में पॉकेट मिल जाएगी सामने की तरफ दो पॉकेट और पीछे की तरफ एक पॉकेट ये इनका एक फिक्स फॉर्मेट है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें आपको पीछे की तरफ आपको जिप भी मिलती है इस बैग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप इस तरीके से हैंड बैग की तरह कैरी करना चाहो तो भी कर सकते हो या फिर आप ये लगा के बड़ा बैग बनाना चाहो तो भी बना सकते हो तो मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल छोटा बैग और जो बिल्कुल मेरे यहीं तक आए कंधे में नीचे तक ना आए वो थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल हो जाता है क्योंकि बैग का साइज़ अगर आपने भर दिया ना उसको तो आपका हाथ यूँ हो जाता है जो कि बहुत बेकार लगता है देखने में तो ये दोनों ऑप्शन मुझे चाहिए होते हैं बट इसमें यही प्रॉब्लम मुझे सिर्फ लगती है कि इसमें ये वाला ऑप्शन तो है बट वो स्लिंग वाला ऑप्शन नहीं है तो अगर आपको अपने ऑफिस के लिए कोई मस्त वाला बैग चाहिए ना तो आप इनमें से कोई सा भी ट्राई कर लो मस्त वाली इनकी लुक भी है और इनका जो साइज है ना बैग का ये काफ़ी अच्छा है ऑफिस ऑफ़िस के लिए डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो और मैं देख लूँ कि कोई बैग मेरा छूटा तो नहीं है नहीं आई थिंक मैंने सारे दिखा दिए जितने मैंने निकाले थे और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना अदरवाइज़ वीडियो जब इतना लंबा हो लगता है मुझे लगता है कहीं मैं इरीटेट ना कर दूँ लोगों को तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना किसी और स्पेशल कैटेगरी की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना जब तक मेरे रूम की सफाई चल रही है ना तब तक मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की हाँ मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी थी ग्रीन कलर की ज्वेलरी स्पेशली अगर आप और किसी कलर की स्पेशल ज्वेलरी देखना चाहते हो क्योंकि मैंने निकाल रखी है अभी रेड और पिंक कलर की अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय